Vitex and Earth presents वाद का गार्ड। ये जो आप देख रहे हो ये ढक्कन काफी दिनों से खुला हुआ, यहाँ से गाड़ी से ये ढक्कन उठ के इधर आके गिरा, किसी के लगते हुए बचा, किसी का पेट टूटते हुए बचा, लेकिन पार्सल से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी को कोई लेना देना। शनिवार के दिन है ना, टेम्पू अंदर चला गया है, हादसा होता हुआ बच्चा शनिवार के दिन। हाँ, ये मालन माँ बेटे इनसे पूछिए आप, भले ही हम झूठ नहीं बोलते, हम भगवान के दरबार में बैठे हैं। तो था पार्षद जी ने कियो के नहीं कियो? पार्षद जी काय कर सुनाई नहीं कर, पार्षद जी सुनाई नहीं कर। क्या क्षेत्रीय पार्षद अरुण जी टाक के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? संतुष्ट हो? कोई दिक्कत नहीं, बराबर काम हो रहा? काम तो बराबर नहीं हो रहा। फिर संतुष्ट क्यों हो आप? काम तो सही नहीं, गंदगी बहुत है, कुछ काम नहीं हो रहा साहब। अरुण जी को आके कुछ देखना चाहिए व्यवस्था के अनुसार। कभी कभार आते हैं, ये गड्ढा पड़ा हुआ आज 10 दिन 15 दिन हो गए, चाल लेवा हमला, ये चाल लेवा बना, 2-4 गाड़ियाँ अंदर घुस गई है। हमारे को कभी साइन कराने होते हैं तो उनके साइन का सब नहीं मिलता, वो टाइम पे नहीं मिलते हैं, कोई सुविधा होती है तो वो नहीं दे पाते हैं हमारे वार्ड को। अच्छा। इसलिए उन 5 साल के कार्यकाल से हम उनके संतुष्ट नहीं हो पाए। नहीं हो? आज काम करो चाची, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुग्रा बेगम है। सुग्रा? हाँ, सुग्रा बेगम नाम है मेरा। सुग्रा बेगम, आज अरुण जी को डांट लगा दो। हाँ लगा दो साहब, बुलाओ हमारे सामने, हम बात करेंगे, ऐसी क्या बात है। अरुण आओ जल्दी से, कहाँ जाएंगे औरती, बेवा औरती कहाँ जाएंगी? सही बात, जब इनको जीते हुए को नहीं कहेंगी तो फिर किसको कहेंगी? सही बात, मालिक ने आदमी तो उठा लिया, पर वो भी हमारी सुनाई करो ना, कुछ तो थोड़ा बहुत सुनो ना। काम तो सब अच्छा हो रहा है, पर राशन की दिक्कत है, राशन वाला 2 दिन गेहूं देता है, तीसरे दिन बंद कर देता है, वापिस कम भी देता, वापिस फोन करते हैं तो उसको 25 तारीख को देऊंगा, 1 तारीख। कौन है राशन वाला, नाम क्या उसका? चेतन। आज मनी चेत नहीं आ रहा तो काम ही सेठ की, तो कौन है चेतन? अब माँ के मोहिला मकंड की साइन वाइन भी कराना पड़े तो वो कहे की मारी कोठी में आई जाओ, कोठी में आई जाओ वे साइन करवाई दंगा आपड़ा नहीं। कई आए नहीं है, कितने साल होगा दर्शन ही नहीं कर रहे, सालों नहीं आया, नहीं आया, अभी देखा ही नहीं हमने। कागज बना रहे, ये बना रहे, पेंसिल आएगी, ये आएगी, दवाई का खर्चा देंगे, कुछ दिया क्या गरीब इंसानों को? अजय साहब ने काम करा, भैया ने जैसा काम कौन से भी पार्षद ने नहीं करा, जो भी छाप लगवानी थी मंदिर में आता था, जो भी काम करवाना था नगर पालिका कभी भी नहीं जाना पड़ता था, कुछ भी काम हुआ मतलब किसी आधार कार्ड से पैन कार्ड से कुछ की भी छाप लगती, आज नगर पालिका में भी जाके खड़े हो रहे तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, इनकी पेंशन नहीं हो सकती, अंगूठा आता ही नहीं, ना आंखें मिलती हमारी, ना अंगूठा आता है, अंगूठा कितनी बार हमने दिल्ली तक भेज दिया, ना तो गेहूं मिले, गेहूं भी नहीं आ रहे हमारे खाने को, गेहूं भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं आ रहा है जी। ये लेकिन कारण ये है इसका कि है ना, जो जब दुकान बंद होती है ना, शॉप बंद होते हैं ना, तो तब जाके 7 बजे बाद ये गेम चालू होता है, पूरा मोहल्ला इधर ही कचरा डालता है। छत के नीचे सोच अच्छा कि खुले में सोच अच्छा? छत के नीचे सोच अच्छा है, खुले में सोच अच्छा नहीं है। और दिन भर बबका आता रहे ठाक ठाक, अरे ये अपने उदयपुर की इज्जत खराब होती है, उदयपुर की पर्सनल खुद नहीं इज्जत खराब हो रही है। कहते हैं कि यहाँ स्त्री गंदगी और इतना ये मतलब एनवायरनमेंट हो रहा है, ये नगर निगम क्या कर रही है? इस नगर निगम सो रही है। एक पैराशूट महापौर का नाम था उनके पीछे, वो उनको लेके चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों को लगा नहीं हमारे वार्ड से महापौर, पर महापौर जी को हमारे वार्ड से जीता के महापौर बनाया, पर महापौर जी फूस निकले, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करा, 5 साल में एक नाली नहीं बनी है उन्होंने जी। जनता से आके मिलना तो बहुत दूर की बात। नमस्कार, मैं मयूर अजमेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सच कर तैयार। वार्ड नंबर 4 में हम लोग आए हुए हैं, क्षेत्रीय पार्षद अरुण टाक
जो क्षेत्रीय पार्षद होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव भी हैं, क्या उनके कार्यों से खुश है जनता या फिर है त्रस्त और बेहाल? जानेंगे जनता से और जन नेताओं से करेंगे संवाद। सबसे पहले आपको दिखा दें अरुण जी के राज में किस तरह के हालात यहाँ पर है। कैमरा मैन ये पूरा दिखाने का प्रयास करें कैसी भी ढागड़े रह गए और एक और सब गायब है। तो शनि महाराज जो यहाँ के एक दार्शनिक स्थल है, लोगों के आराध्य देव है शनि महाराज, उनके पुजारी जी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि क्या क्षेत्रीय पार्षद अरुण जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट हो कि आपके सामने दिख रहा है, ये काफी समय से श्रद्धालु हमारे इतनी प्रॉब्लम होती है, ये ढक्कन खुला हुआ है आए दिन, मतलब पार्षद भी यहाँ से निकलते होंगे वो देखते हैं बट इनमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैं वर्तमान पुजारी नीरज जोशी, आतिपुर शनि मंदिर। ये जो आप देख रहे हो ये ढक्कन काफी दिनों से खुला हुआ है, यहाँ से गाड़ी से ये ढक्कन उठ के इधर आके गिरा, किसी के लगते हुए बचा, किसी का पेट टूटते हुए बचा है, लेकिन पार्सल से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी को कोई लेना देना। ये गड्ढा गया इस पूरी रोड पे, चाहिए आपको कितने गड्ढे मिलेंगे ये देखना। बट यहाँ से वोट के नाम से वोट मांगने आएंगे तभी पार्षद आएंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं किसी का, कोई ध्यान देना नहीं, बस उनको पार्षद का नाम है और महापौर उप महापौर बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ जो ध्यान देना है वो कोई देगा नहीं, बस जी कोई ध्यान नहीं दे रहा, फुल टेंशन में दोस्तों। अरे बहुत टेंशन में मयूर भाई, देख लो आप राम में हमारा श्रद्धालु टेंशन में, मारा टेंशन में, मारा तरफ लाके मां बेटा का कभी बाटो उछलने हटी नहीं जाओ, कभी बाटो उछलने हटी नहीं आई जाओ। और मारी बात सुनो अरुण जी, ये शनि महाराज रे अगर खोप थाने लाग गयो तो था भी हटी वटी बमरा तो फिरेगा। अरे बात है बाटो सही करे दो फटाफट। हाँ आंटी जी, शनिवार के दिन है ना टेम्पू अंदर चला गया है, हादसा होता हुआ बच्चा शनिवार के दिन। हाँ ये मालन माँ बेटे इनसे पूछिए आप, भले ही हम झूठ नहीं बोलते, हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, आप उनके उनसे निवेदन है कि आप ये करवाए काम जल्द। निवेदन करना तो निवेदन, एक नाम हाथ जोड़ दो ना, अरुण जी, अरुण जी भाई साहब, भाई साहब आप हाथ जोड़ने, हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं पुजारण हूँ और मैं पुजारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, भगवान का ये सामने ये खड्डा हो रहा है ये आप ठीक करवा दीजिए। अरुण जी अभी हाथ भी जुड़े ही दीदा तो काम वही जाना चाहिए। अरुण जी भाई साहब एक आंटी जी और देखिए, आंटी जी कई टेंशन है, थाने के ढक्कन लगवा यो यो ढक्कन ही नहीं है, ढक्कन नहीं है। ओ हो हो कई भज जावे टेम्पो, टेम्पो डायरेक्ट अटो ना अवन टेम्पो डायरेक्ट अटो पस डायरेक्ट अटो पस। हां तो था पार्षद जी ने कियो के नहीं कियो? पार्षद जी काय करे सुनाई नहीं करे, पार्षद जी, पार्षद जी सुनाई नहीं करे, याना ना रिजना ने कहे वे सुनाई नहीं करे, वे भी सुनाई नहीं करे, पार्षद जी भी नहीं करे जदी। वाह यार ये भी थाने टेंशन एक अलग लाइफ में। कुछ और लोग हमारे साथ है, स्थानीय लोग यहाँ पर जो व्यापार करते हैं। भाई साहब आप बताओ यार ये हो काम वेरो की वार्ड में? वार्ड में हो काम नहीं वेरो है, और काम करे खाड़ो वेरो पूरो हमें खाड़ो वेरो। हाँ टेंशन है, फुल टेंशन है, फुल कहीं दिन कोई बड़ो हादसा भी जाएगा नहीं, हादसा भी जाएगा, कोई आएगा बारिश के टाइम में कोई खाड़ा में गिर गया कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा नहीं। हाँ तो इधर लोग काफी चिंतित हैं, टेंशन में हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करते हैं। एक ये कादर जी, रसिया जी एंड कंपनी वाले भाई साहब हमें मिले। भाई साहब आप बताएं, क्या बताऊं, क्या क्षेत्रीय पार्षद अरुण जी टाक के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? संतुष्ट है, संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर काम हो रहा? नहीं काम तो बराबर नहीं हो रहा। तो फिर संतुष्ट क्यों हो आप? काम तो सही नहीं, गंदगी बहुत है। अच्छा गंदगी बहुत है, गंदगी वंदगी और सफाई, सफाई का सफाई बराबर नहीं, सफाई भी बराबर नहीं, और ये खाड़े खूटी जो हो रहे हैं वो खाड़े खूटी नुकसान करता है, आदमी गिर जाता है, आदमी गिर जाता है, गिर जाता है, आदमी भी गिर जाता है और सफाई भी नहीं है, फिर भी लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर। ये भाई साहब हमें दिखे मिथुन दादा के फैन। क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रिजमोहन नाम है। ब्रिजमोहन जी अरे वार्ड में हो काम भेरो की नहीं भेरो? कुछ काम नहीं हो रहा साहब, अरुण जी को आके कुछ देखना चाहिए व्यवस्था के अनुसार। कभी कभार आते हैं ये गड्ढा पड़ा हुआ, आज 10 दिन 15 दिन हो गए, जाल लेवा हमला, ये जाल लेवा बना, 2-4 गाड़ियाँ अंदर घुस गई है। अच्छा और कंप्लेन भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक दान आज मिथुन दादा स्टाइल में कह दो कि भाई अरुण यूं बोलो, यूं करो, यूं करो एक बार, अरे एक बार यूं करो, अरे यूं हमारे अरुण जी हिसाब से निवेदन, अरे यूं नहीं, अरे भाई अरुण यूं मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में कुछ भी आओ कह घूम गए हो या फिर कोई लापता का कुछ पोस्टर लगाए क्या? लापता का पोस्टर लगाया, ये देखिए वार्ड में क्या हालत हो रही है, जब जगमग्न सड़कें होती है तो पानी मंदिर में घुसता है, पानी मंदिर में घुस जाता है, बहुत ही शर्म का विषय है। एक तरफ हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो वही दूसरी तरफ गटरों का नाली का पानी अगर मंदिर में जाता है तो ये बहुत शोचनीय विषय है। बाबू जी हाँ बोलो, कई टेंशन है आप रहे? मारे टेंशन कही है, मार तो मेन मंदिर है, गटर जी टेंशन भाई है,
अच्छा परेशान भी रहा, पूछो मत, जो पानी निकले तो मंदिर में जाए, लोग बाग परेशान में यही कि गंदा पानी ना पर महीने जाए, और मंदिर ही चार महीने की कंडीशन में गए हो तो आप ये मत डालो। सही बात, तो कई गाना बचा बे, कई करो बे, वरना ने चेन भी छा गया, जाइन भी आ गया, चेन भी छा गया, हाँ तो भी नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ रहा, हाँ डांट लगे दो वरना ने बना मैडम म्यूनसिपालिटी में सब जगह जा जाए ना गया, सब जगह जा जा के आ गए हैं, तो यहाँ पर कार्य यहाँ पर होना चाहिए, लोग काफी परेशान है यहाँ पर अभी तक कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो लोगों की समस्या को निजात यहाँ पर दिलानी पड़ेगी, लोगों को समस्या से निजात यहाँ दिलानी पड़ेगी। आपको निवेदन है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उस मार्ग से होकर नहीं जा रहे, उसके साइड साइड से होकर जा रहे हैं ताकि वे उसमें फंसे ना और धसे ना। तो अरुण जी सर, ध्यान आपको देना होगा, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो वार्ड नंबर 4 के चमनपुरा की गलियों में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ का जनमन क्या कहता है जानते हैं। भाई साहब आप बताएं, क्या क्षेत्रीय पार्षद अरुण जी के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है उनके कार्यकाल से, हमारे को कभी साइन कराने होते हैं तो उनके साइन का सब नहीं मिलता, वो टाइम पे नहीं मिलते हैं, कोई सुविधा होती है तो वो नहीं दे पाते हैं हमारे वार्ड को। अच्छा। इसलिए उन 5 साल के कार्यकाल से हम उनके संतुष्ट नहीं हो पाए। नहीं हो कई काम नहीं की तो था काम मतलब की तो, लेकिन वो दिखता था कि जनता रहे, हाँ मेरी जनता रहे, हाँ मेरे विशेष जनता ने जो लागना चाहे हमारे प्रति कई काम भी हो, वो काम नहीं भी हो, वो काम नहीं भी, मोटा मोटा छोटा छोटा वही गया बस। हाँ। हमें परेशानी होती, दिन में लाइटें जली देखो, और तो परेशानी होती, नल दिन में लाइटें जली रात बंद है, और रात को बंद रहती है, दिन को जलती है, और नल के लिए कभी एक ही रोज ही नहीं चलावे, दो दो रोज ही नहीं चलावे, और तो इधर किधर घूमती है, हॉस्पिटल से जाते हैं साइन कराओ भैया उनके लिए, तो वो आते नहीं, हाँ लो हाँ साइन कराने का, हाँ आ रहे हम कहा हम आ रहे हैं, शनिवार को आएंगे, वो शनिवार भी चल गया, दूसरा शनिवार भी आ गया, और हम देखते फिर रहे हमारी शनिवार ने कहा शनि महाराज दर्शन, अरे दर्शन के तो सभी करते हैं, मालिक का नाम नहीं लेते क्या? हाँ मालिक का नाम तो अल्लाह का लो चाहे भगवान का लो, सभी लेते हैं, सभी लेते हैं, हाँ सभी लेते, पर साइन नहीं करते, आज नहीं करते साहब साइन। आज काम करो चाची, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुगरा बेगम है। सुगरा? हाँ सुगरा बेगम नाम है मेरा। सुगरा बेगम आज अरुण जी को डांट लगा दो। हाँ लगा दो साहब, बुलाओ हमारे सामने, हम बात करेंगे, ऐसी क्या बात है? अरुण बुलाओ जल्दी से, अभी बुलाओ, हम ही बात करते हैं उनसे, क्या हाँ। बात है, कहाँ जाएंगी औरती, बेवा औरती कहाँ जाएंगी? सही बात, जब इनको जीते हुए को नहीं कहेंगी तो फिर किसको कहेंगी? सही बात, मालिक ने मैं आदमी तो उठा लिया, पर वो भी हमारी सुनाई कर रहा ना, कुछ तो थोड़ा बहुत सुनो ना जी, क्या बात है, है नल के लिए परेशान, लाइट के लिए परेशान, बिल नहीं जमा के पलेंटी लग गई साहब, वो आ जाते पलेंटी जुड़ा जुड़ के, कहाँ लाएगी बेवा औरत पैसे, आज अब आदमी नहीं है बेटे नहीं दे, फिर वो पैसे कहाँ से लाएगी? वाह वाह, वो हाँ हाँ टेंशन मत आ, ठीक है सब हाउ बेगा, सब हाउ में सब हाउ, अरे हाउ नहीं हो रहा, खराब ही हो रही, हाउ नहीं हो रहा है अरुण जी, ये बहुत गलत बात है आपकी, आपको लोगों की समस्याओं का निदान यहाँ पर करना चाहिए। ये माता जी यहाँ पर विधवा है, इनके काफी परेशानी यहाँ पर है, ये कह रही है कि दिन में अटे लाइटें जल रही है, रात था लाइटें जलाऊ नहीं, अटे तीन तीन चार चार दिन तक लोगों ने पानी नहीं आई रो, और सड़का पे पानी फुल वही रो। तो अरुण जी इस समस्या से निजात दिलाना आप ही का कर्तव्य है, आप यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी है, 10,000 बिल आ रहे हैं, 10,000 बिल मारे लेट को लाइट को, हाँ कम जोड़े तो ये वापरता होगा जो आते होगा, नहीं वापरे इतना तो वापरा ही नहीं, कम कम वापरे हम तो हमारे पहले ही जो कम वापर तो भी आ जाए, हाँ तो ही आ रहे हो, नहीं तो भी ला रहे हो यार, इधर तो बहुत टेंशन है भाऊ जी, एक बार ये बीड़ी का छल्ला बना के बता दे आप दर्शकों को, बताओ ना कैसे बनाते हैं, वाह अब बताओ क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? मेरी बात सुनो, इनको दो बार तो मैंने यहाँ मीटिंग करी है, तो उसमें भी बोला है कि एक हमारे लाइटों का निदान करें, स्वरूप सागर घूमने जाते हैं, मैं सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ लाइटों के लिए, पोरवाल साहब को भी कहा है, इनको भी कहा है, क्या नाम इनका, अजय अरुण जी, अरुण जी टाक को भी कहा है, यहाँ आए हुए मीटिंग करी है, ना तो वहाँ लाइटें की कुछ सुविधा है ना कुछ, 5 बजे घूमने निकल जाता हूँ मैं। अच्छा 5 बजे जाकर देखो कितना अंधेरा रहता है, बॉडी बॉडी मेंटेन हो रही है, और 68 साल की उम्र है अभी, इस उम्र में भी। अच्छा आज आपका काम कराना है, क्या काम बाकी है आपका?
कह रहा हूँ ना, वो हमारे मोहल्ले का हर चीज के हिसाब से देख लो, वो वहाँ भी लाइटें बंद है अभी तक। अच्छा अबे काम आज ये पोरवाल जी को तो मैंने साथ में घूमते भी है, तो भी मैंने उनका लाइटें देख लो, मैंने काम कराना है। हाँ कराना, आज एक मैं तो बोलूंगा वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या चीज? बीड़ी छोड़ना ये लो। अच्छा छोड़नी बोलो। नहीं छोड़नी नहीं, अरे दारू गोश्त सब छोड़ रखा भैया, और दो तो हर चीज कहाँ छोड़वाओ। सब अपने तो सब सन्यासी आदमी है, सन्यासी देवी सोने के दांत लगा रखे तुमने, फुल पैसा है, फुल पैसा है ना, फुल पैसा, कोई टेंशन नहीं है। तो वाकई में यहाँ पर अगर लाइट की समस्या है, लोग आपको कई बार सूचित कर चुके, तो उनका कार्य यहाँ पर होना चाहिए। कुछ महिला हमारे भाभी जी कहो, अटा हूँ काम वेरोगे नहीं वेरो, काम तो सब अच्छा हो रहा है पर राशन की दिक्कत है, राशन वाला दो दिन गेहूँ देता है, तीसरे दिन बंद कर देता है, वापिस कम भी देता, वापिस फोन करते हैं तो उसको 25 तारीख को देऊंगा, 8 तारीख कौन है राशन वाला, नाम क्या उसका? चेतन। आज मनी चेत नहीं आ रहा तो काम ही सेठ की, तो कौन है चेतन, कौन है चेतन, चेतन कंट्रोल वाला, चेतन कंट्रोल वाला हमारी बात सुन ले, आज रे बाद अगर औरतों ने राशन कम तो दी दो तो बच्चे तो तू भी देख लीजिए। ठीक है, गेहूं बराबर देता ही नहीं है। अबे ठीक है, धमकी उमकी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट मारे के लपड़ पड़ा था, बचा होगा शरीर, बचाएंगे। तो एक तो चेतन राशन वालों राशन कम दे, और कोई दिक्कत है? और दिक्कत एक हमारे यही पे बाढ़ में बन जावे, कंट्रोल तो ठीक रहे, ठेठ वहाँ जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? देती मंगरी। देती मंगरी तो देती मंगरी थाने बाढ़ में चाहिए होएगा, तो भी दूर पड़ता है हमारे। अरे थाने चमनपुरा में शिफ्ट कर रहे हैं, गिने चुने लोग है, बाकी सब चमनपुरा की बस्ती है। अब गेहूं भी मिलते हैं तो पूरी फैमिली में से जिसका नाम है उसको मिलना चाहिए ना, गेहूं किसी को भी नहीं मिलते, खाली परिवार में 6 सदस्य तो उसको 3 को ही मिलते, 3 को नहीं मिलते, 3 को नहीं। और रोटा सब खाई रहा? हाँ तो रोटी तो सभी खाते हैं, चारा कौन खा रहा, सब खाने ही खाते हैं। 3 जने रोजा रखे हैं चाची, रोजा 3 जने रोजा रखे 3 जने रोटा खाए। तुम्हारा पल्लू क्यों रोगे नहीं यार, तुम इनका पल्लू क्यों ले रहे हो यार, ये तो चीटिंग है यार चाची। हाँ आप बताओ काम हो रहा है कि नहीं वार्ड में? हो रहा है, मगर सर ये गेहूँ कम देते हमारे भी, 1-2 बच्चे के नहीं मिलते गेहूँ, गेहूँ नहीं मिलता। हाँ, वो अंगूठा ही नहीं रहा, बोल रहे कर, नहीं आ रहा तो गेहूँ नहीं मिलते सर। तो चेतन जी यार ये धमकी उमकी सब ठीक है, बाकी आपको वाकई में ध्यान रखना चाहिए, और लोगरा राशन तो मत खाओ रे, कम को मात्रों को चोट तो वाड़ो है रे, हाँ 2-2 किलो राशन खाई जाओ लोगरा। हाँ बच्चो थाने आनंद है, थाने आनंद है, सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फूल बढ़ना चाल रही जिंदगी, बस बढ़ना चाल रही है। अरे मैं यू कहना चाहूँगा कि जिस सर एक महिला रो पार्षद वे तो साइन वाइन कराओ आते वरने अटे आनो चाहे यूँ सबरी राय पंचायत लेनी चाहे कि यार मारे के काम है तो मैं अब माँ के महिला में कंड की साइन वाइन भी कराना पड़े तो वो कहे कि मारी कोटी में आई जाओ, कोटी में आई जाओ अटे साइन करवाई दंगा आपड़ा न्यू, तो थेट एक साइन करो आते पार्षद में वोट अटू लेन जाइ रहा, पे साइन करो आते अपन वटे जानो पड़े, ऐसा पार्षद नहीं चाहिए, माँ चाह की कोई महिला रो कैंडिडेट वे, कौन महिला रो कैंडिडेट था? माँ के महिला में है 2-3 जना है, कई कई नाम ना बताइए। एक तो मनीष भैया है, ये पप्पू जारा लड़का है, ये बीजेपी में, ये के चाचा है हमारा अंकल है, अच्छा ये भी है, और 2-3 जना है जो ये काम करे, पर ये कि मोहल्ला राइस बंदा वे तो और संतुष्टि रहे वे आदमी, मोहल्ला राइस वे तो संतुष्टि रहे, बाकी टेंशन है वो कोठे में बुलाई रहनी, बस साइन करवाते इतनी दूर बुलाओ के वे कि माकन वटने आनो पड़ेगा, अब इतनी दूर जाओ के मतलब, सही बात है, इतनी दूर जाओ का ही मतलब है, क्या बच्चा सारा आनंद देगे नहीं है, अरे बोलो नहीं। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, एक भाई साहब है नेताजी में दिखे हैं, भाई साहब राजकुमार जी, जी सर, थाना राज कभी आएगा? माना तो राज कही है, मैं तो जनता वाते बैठे लग गया है, और ये सब मारा घर रा परिवार रा लोग है, तो अणी लिए गए राजवातो कंडो भी वे काम तो माना लोगों ने देखना पड़ेगा, काम तो आप लोगों को देखना है, अरे काम वीरो की नहीं वीरो भाई साहब, नीरे बराबरी काम है, नीरे बराबर, नीरे बराबर, संतुष्टि नहीं है भाई साहब, माँ जितनी मेहनत की थी अणी सहित पार्षद रे वाते, क्योंकि पहले वार्ड में बीजेपी रो आडियो, फिर तो भी चंद्र सिंह, अरे महापौर वार्ड हो तो वंडे वड़ी आदमी ने हरा हुआ, तो 1,045 वोट वाला ने मां जिताया, वंडे बावजूद आस निराश हो गया, अभी आते हैं तो नीचे से रोड से चले जाते हैं, ऊपर वार्ड में कई वीर हो पैसा कोई ऋणी धनी नहीं होना चीज रहा, कई 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 आए नहीं है, कितने साल होगा दर्शन ही नहीं कर रहे, सालों नहीं आया, नहीं आया अभी देखे ही नहीं हमने, वोट लेने के वक्त लाओ। हाँ बोलो आप बोलो। हाँ, हाथीवाल जमनपुर से बोल रहे हैं, क्या क्या मतलब कागज बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, पेंसिल आएगी, ये आएगी, दवाई का खर्चा देंगे, कुछ दिया क्या गरीब इंसानों को, हमारी छोरी को विकलांग है वो, इसकी 2 लड़की है,
इससे कहते पेंशन आएगी पेंशन आएगी, और पेंशन आती जो भी बंद कर दी, बढ़ाएंगे तो कब पन कड़ी बंद की थी, कड़ी बंद कर दी, गवर्नमेंट बंद की थी, और क्या ना अंगूठा लगा क्या, अंगूठा लगा क्या, 100-100 रुपए दे के परेशान हो गए, खतरनाक दिख रहा, खतरनाक दिख रही, मोहल्ला में नहीं रहा, खतरनाक नहीं, तो अब तक चमनपुरा वाला कतरी बांध ना काटता, अब ऐसे विकलांग बच्चे बच्चे रहनी दो लड़की है, ये कोई बात थोड़ी है, सारी चीज का सुविधा था, इसका कागज बनवा लाना, ये कागज स्मार्ट कार्ड बनवा देना, ये सारे कागज बनवाए, बन कुछ हुआ क्या इस मोहल्ले में कुछ, हमारी सारी महिला को पेंशन नहीं आ रही, 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, 500 रुपए बंद कर, पेंशन आज एक काम आज मारे ला रहे, अरे एक सेकंड बोलो कि आज रे बात बोलो, अरे बोलो सॉरी, आज रे बात, आज के बाद, आज रे बात, आज के बाद अगर मारी पेंशन, अगर मेरी पेंशन चालू नहीं हुई, नहीं हुई तो पछे पछे थारे लारे जो भी वे जो तैयार कर दूंगा ऐसा साबित तो जाएंगे हम सब, ऐसे तो जाएंगे। कुछ भी नहीं देंगे, खड़े नहीं रहने यहाँ पर, हमारी हमारे बुड्ढे बुड्ढे इंसानों की वो होनी चाहिए, एक लाइट यहाँ पर और लगनी चाहिए, एक वहाँ पर लगनी चाहिए, एक यहाँ पर लगनी चाहिए, हमारी सरकारी लाइटें बंद रहती है, और हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं, दिन तो अभी तो आप आ रहे होंगे इस वजह से, कमरे की बंद कर दी, अभी अभी घर की भी जला दी, कमरों की बंद कर दी, कमरों में जा जाके देखो देख सब दूर, सबके कमरे लाइटें बंद है, पार्षद से खुश हो, अरे हाँ के ना, हाँ के ना, ना कभी हाँ कभी ना, पार्षद जी अरे थाली पोजीशन बहुत खराब है, अरे थोड़े तो काम वाम कर ही दो, ताकि अगली बार वोट मांगा हो तो ये भाभी जी जो खतरनाक भाभी जी है ये थारे घुसवा दे, बाकी बहुत पोजीशन खराब है अरुण जी, हाँ बोलो क्या कहना, अजय साहब ने काम करा भैया ने, जैसा काम कौन से भी पार्षद ने नहीं करा, जो भी छाप लगवानी थी मंदिर में आता था, जो भी काम करवाना था नगर पालिका कभी भी नहीं जाना पड़ता था, कुछ भी काम हुआ मतलब किसी आधार कार्ड से पैन कार्ड से किसी की भी छाप लगती, आज नगर पालिका में भी जाके खड़े हो रहे तो कुछ भी नहीं है, वहां से मिल रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है कुछ भी नहीं है, वो कहते था ये जानता है तो भी इसके यहाँ जा रहे हैं, ये खड़ा है तो कहते थे इसके यहाँ पर चल जाओ, अगर उसके यहाँ जा रहे हैं वो भी है तो वो कहते अगर यहाँ कलेक्ट्री जाओ, कलेक्ट्री वाला है वो खिड़की वाला यहाँ पर जाओ, वहां से भी कहते थे वहां पर जाओ, अरे ये पढ़े लिखे नहीं है तो रोटी तो खाते है ना, तुम अच्छा दान खाते हो तो हम कंट्रोल का तो खा रहे 2 रुपए वाला सड़ा तो वाला पनीर खाई रहे हो तो माँ दाल तो खाई रहे हैं, सड़ा सड़ा गाँव ने लाइने दे रहा तो दो ही रोज ने तो खाई रहे हैं माँ, अच्छा तो नहीं है इंसान तो माँ भी यहाँ अच्छा खावा जाना तो, अरे दान एक भारी इंसान है भारी कंट्रोल के गाँव भगा के भारी हो गए, तो वार्ड के कुछ रहवासी हमारे साथ हैं जो वाकई में यहाँ पर काफी परेशानी के अंदर हैं, कि दीदी हमारे साथ है जिनकी आंखों की रोशनी यहाँ पर नहीं है और वे सरकार से मदद तो यहाँ पर चाहती है, तो क्षेत्रीय पार्षद को भी अपना दखल यहाँ पर देना चाहिए और मदद की तमाम इनके लिए कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, क्या समस्या आपके? समस्या ये है कि हमारी आंखों से नहीं दिखता, पेंशन नहीं होती, बहुत जगह जाके आए थे हम जी, थोड़े दिन पहले यहाँ पोस्ट ऑफिस भी गए थे, अंगूठे के निशान नहीं आए और उन्होंने मना कर दिया इनकी पेंशन नहीं हो सकती, अंगूठा आता ही ना, आंखें मिलती हमारी ना अंगूठा आता है, कितनी बार हमने दिल्ली तक भेज दिया, गेहूँ भी नहीं आ रहे हमारे खाने को, गेहूँ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं आ रहा है जी, और ये तो नैतिकता के नाते भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अरुण जी भाई साहब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान यहाँ पर देवें, ताकि इस तरह के जो हालात जिन लोगों के साथ हैं उन्हें तो कम से कम जीने का सहारा सरकार की तरफ से, सरकार जब इतनी योजना यहाँ पर चला रही है तो इन्हें भी किसी योजना के अंदर आपको लाभ दिलाने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए, ये इंसानियत के नाते भी आपका प्रथम दृष्टिकोण से धर्म है आपका। पूरा भरा रहता अभी थोड़ा ये तो आज के ये सूचना मिली थी जो सफाई भी ढेर लग रहे थे दुकानदार कैसे तो एक रिलायबल भाई साहब हमारे साथ हैं, भाई साहब आप तो रिलायबल हो, आपके पार्षद जी रिलायबल है कि सर कचरा तो पड़े रहता है, कचरा साफ होता नहीं है, अब ये बिल्कुल कचरा आपके बिल्कुल जस्ट पास में पड़ा तो पूरे दिन बैठना कितना दुश्वार हो गया यहाँ पर, दुश्वारी है लेकिन कारण ये है इसका कि है ना जो जब दुकान बंद होती है ना शॉप बंद होते हैं ना तो तब जाके 7 बजे बाद ये गेम चालू होता है, पूरा मोहल्ला इधर ही कचरा डालता है, अच्छा थानों के दुश्मन ही मोहल्ला वाला रे अपने का दुश्मन ही, मैं तो रहता भी इधर ही हूँ,
मेरा तो मोहल्ला भी यही है रहने का। अच्छा, अब 7 बजे गली बंद पड़ी रहती है, इस वजह से लोग यहाँ पर, इस वजह से लोग कचरा डालते हैं। तो लोगों से भी निवेदन है, चलो देखो पार्षद को तो हम हर बात के लिए दोषी मान रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आपसे भी निवेदन है कि अगर मोहल्ला आपका है तो थोड़ा ध्यान आपको भी यहाँ रखना पड़ेगा कि ये कचरा पात्र तो है नहीं। अगर सुबह कचरे की गाड़ी यहाँ पर आ रही है और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं तो ये भी एक शोचनीय विषय है। हाँ भैया, आराम से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुलभ शौचालय यहाँ पर बंद होने की वजह से लोगों को ये जो खुला स्थान है जहाँ पर पुराना सुलभ शौचालय था उसका इस्तेमाल आज तक करना पड़ रहा है। तो पार्षद जी आपसे निवेदन है कि लोगों को खुले आसमान के नीचे शौच करने पर विवश ना करें। जब एक तरफ भारत सरकार स्वच्छता की बात करती है, स्वच्छता मिशन की बात करती है, तो सुलभ शौचालय यहाँ पर आवश्यक है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और लोग बाग यहाँ पर खुले में शौच ना करें उसके लिए माकूल व्यवस्था यहाँ पर की जावे। कुछ स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, छत के नीचे शौच अच्छा कि खुले में शौच अच्छा? छत के नीचे शौच अच्छा है, खुले में शौच अच्छा नहीं है। और दिन भर भपका आता रहे ठाक ठाक। अरे ये लोग कैसे काम करते हैं इनको पूछो। लेडीज वगैरह ट्रैफिक यहाँ से निकलता है उसको लोग बाग देखते हैं अच्छा लगता है, ये अपनी उदयपुर की इज्जत खराब होती है। उदयपुर की पर्सनल गुदरी की इज्जत खराब हो रही है। तो इसलिए नगर पालिका को चाहिए कि इसको जल्दी जल्दी ठीक करावें। अरुण जी, लोगों की इज्जत आप हाथ में, अंडे बचाओ, हाथ जोड़ लो, मारो, निवेदन है। ये भाई साहब मान ला रहे हैं, मुंडे धोई ले आइए। ये भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने पाल सिंघवी को बोला था, टांग साहब को बोला था कि इसकी पहले जैसी यहाँ तो तोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा तो इसको बनाना चाहिए, क्यों कि आने जाने वाले ट्रैफिक वगैरह बहुत परेशानी होती है और लोग बात खुले में सोच करते हैं तो अच्छा लगता है। सही बात, ये उदयपुर की इज्जत का सवाल है। सबसे बड़ी टूरिस्ट दुनिया भर के आते हैं, इस रोड से निकलते हैं जी। हमने बार बार राजस्थान पत्रिका में दिया, सब लगे इकट्ठे करके एप्लीकेशन भी दी है। तो भैया अगर बनाना नहीं हो तो पुराना तोड़ना नहीं हो, अगर पुराना तोड़ा हो तो नया बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा, जरूर बनाना पड़ेगा। इतनी समस्या वे रही था कभी आवा। अरे भाई साहब भेजो हमारी बात होना। भाई साहब कितनी बार अरुण जी को भी फोन किया है, उन्होंने क्या कि उनको फोन करो, फारूक साहब को फोन करो, फारूक साहब के हाथ में कुछ भी नहीं। फारूक साहब कौन है? फारूक साहब अपने इंस्पेक्टर है यहाँ के, तो डायरेक्ट फोन कर दो वरना नहीं। हाँ अरुण जी, हाँ अरुण जी से कितनी बार फोन किया लेकिन कुछ जवाब नहीं देते हैं। यूँ तो मैं अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री जाना तो मोदी जी ने फोन कर दो। हाँ मोदी जी, हेलो। सवेरे के टाइम लोहार के बच्चे यहाँ पे लेटरिन जाते हैं खुले, और इतने गंदी वाड़ा हो रहा है कि बाथरूम करना दुश्वार हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई साहब मैं कहीं भोपाल भरो वाले बाथरूम होंगे आयो कहीं? आप जाकर देखो एक बार, ये यहाँ पे दिखाओ वीडियो में, ये चीज दिखाओ। अरे भाई लोग अभी तो बात कर रहा है, वीडियो में ये चीज दिखाओ आप, ये अपन अपन खड़े हैं मत दिखाओ, ये चीज दिखाओ तो इन्हें दिखेगी, ये यूं नहीं दिखेगा। हमें बदबू आ रही वो यहाँ पे दिखेगा, अपन यहाँ बात कर रहे हैं खाली मुंह दिख रहे हैं अपने, वो मुंह नहीं दिखे, मेरे एक्शन भी देखो। तो भाई साहब पूरी बदबू बताई दी थी मैं अबे, ठीक है अबे भाई साहब आप बताओ चाचा। नहीं नहीं यार, कहाँ इंग्लैंड के? ये चाचा इंग्लैंड से आए। अच्छा भाई साहब आप बताओ कि यार ये वाकई में ये जो स्थिति है बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, गाड़ी लेकर छोड़ा जरूर लेटिंग वगैरह कचरा वगैरह इतना कर देते हैं, मार सुगल वाला होता है, ये पूरा पानी भरा हुआ, हर इंसान बेचारा परेशान है और दुखी है यहाँ पे जी, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा आप सब ये लोग यहाँ पर, ये सभी लोग शौचालय बनवाना चाहते हो तो मेरे साथ एक बार एक चीज करनी पड़ेगी आपको। आपको सुनो, हमारे गुप्ता साहब हैं क्या, और हमारे बापना साहब हैं, बापना साहब को, बापना साहब जो कहते हैं वो होना चाहिए। अगर बापना साहब अगर कहते हैं कि यहाँ इतनी गंदगी और इतना ये मतलब इन्वायरमेंट हो रहा है, ये नगर निगम क्या कर रही है? इस नगर निगम सो रही है। नगर निगम ने ये शौचालय बनाया और उसके बाद में हमारे अपना साहब इतने ये बापना साहब है कि गुप्ता साहब है, पहले तो ये बताओ। बापना है,
तो आप गुप्ता क्यों कह रहे हैं? गुप्ता तो दिनेश है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बापना जी है, मेरी बात को सुनो। इतना मतलब इनके घर के सामने इतना होता है तो यार ये क्या है? ये देखो ये मकान के, ये देखो कैसे काम क्या है, क्या है ये? मेरे को भापना साहब की बात को रखना है। आप शुभ नाम कही है? मदन राठौड़। मदन जी राठौड़ साहब, आप इतनी चिंता में क्यों हो? मैं चिंता में यूँ हूँ कि मैंने अटे पैदा भी हूँ। अच्छा और अटे जी हूँ और अटे जानी कुआ जी बावड़ी रो पानी पी दो है कहीं जो तालाब रो पानी आवे जो अटे बावड़ी है अरे मकान में ने। तो लोग यहाँ पर काफी चिंतित है, काफी व्यथित है कि लोग यहाँ पर खुले में शौच करने का विवश है। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर लोगों की इज्जत तार तार हो रही है। अरुण जी भाई साहब आपको हाथ जोड़ने निवेदन है, लोगों की इज्जत अब आप रहे हाथ में, तो आप इसे शीघ्र अति शीघ्र बनवाने का प्रयास यहाँ करें। अगर आपने पुराना टूटवा है तो नया बनवाने का प्रयास यहाँ करें। एक बार सभी चाहूंगा, बाथरूम चाहते हो तो जोर बोलो नी चाचा, बोल रहे नहीं यार, बोल रहे नहीं, मैं तो बोल रहे हैं। कैसे बोल रही है? चाहते हैं, हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। इसको थोड़ा क्यों, थोड़ा तो बनवाना चाहिए। पहली बात तो थोड़ा क्यों तो बनवाना चाहिए, ठाक साहब आके देखना चाहिए। आप बनवा सकते हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बनवा दोगे आप? कोशिश हम भी कर रहे हैं ना, यही तो बात है कि भी हम आपके माध्यम से इसको तुड़वाए क्यों, माध्यम से ये चाहते हैं कि आप इसको लेके बताओ और आप भी इसका प्रयास करें कि इसको बना के दे। बिल्कुल निश्चित तौर पर भैयान हम इसका पूरा प्रयासरत है और ये निश्चित तौर पर बनाएंगे, प्रयास करेंगे ताकि आपकी न्यूज़। जब ये बात सुनो, जब ये बना हुआ था आपने तुड़वाया क्यों इसको, ये बता दो हमें। तो मतलब ये समझो, हमारी घर मोहल्ले की बहन बेटी है, कहीं कहाँ जा रही है, कुछ सुबह कोई देखे, आम जन इंसान देखता है उनको, उनके लेटरिन बाथरूम की दिक्कत हो रही है, कहा जाएगा लेडीज वार्ड के वार्ड मेंबर है, उनको आके देखना तो चाहिए ना, देखना चाहिए, लोगों की समस्या आनी चाहिए। बहुत कंजेस्टेड एरिया है और गलियों के अंदर हमारी माताएं बहने सारी रहती है, उनको सोच के लिए उनके कोई शौचालय ना मोदी जी ने बनवाए और ना किसी ने बनवाए, ना नगर निगम ने बनवाए, किसी ने नहीं बनवाए। क्यों? कि मोदी जी ने जो अपनी सोच रखी थी कि ये सुलभ शौचालय घर घर में पहुंचे, लेकिन ये चमनपुरा, ये घाटी, इसके अंदर किसी की घर के अंदर सुलभ शौचालय नहीं बने। अब वो सरकार जो जितना ला रही है वो जा रही है, वो कहाँ जा रहा है? ये नगर निगम इन मोहल्ले वालों के लिए इतना सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस कॉम्प्लेक्स को भी अगर तुड़वा दिया तो अब घर घर के अंदर तो इस घाटी के अंदर कोई शौचालय नहीं है। हमारी माताएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें गलिये गलिये से उतर उतर करके, गलियों से उतर उतर करके इस शौचालय में आती है। अब आप मुझे बताइए कि इस शौचालय का कितना उपयोग था जो इस चमनपुरे को इस नगर निगम ने नेगलेक्ट कर दिया। जी तो वाकई में यहाँ पर लोग काफ़ी गरीब यहाँ पर हैं, गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं जो नियमित शौचालय का उपयोग यहाँ पर करते हैं। अगर उनके लिए आप यहाँ पर शौचालय की माकूल व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो बहन बेटियाँ मोहल्ले में निवास करती हैं उनको काफ़ी समस्या यहाँ पर है। तो आपसे उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के हमारा भी निवेदन है अरुण जी भाई साहब के यहाँ पर शौचालय शीघ्र अति शीघ्र बनाने का प्रयास करें। तो वार्ड नंबर 4 के युवा और कद्दावर नेता फराज खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ड 4 में। जी आप बताएं कि क्या क्षेत्रीय पार्षद अरुण जी टाक के कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? जी मैं संतुष्ट था पर अब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकते संतुष्ट थी। जी शुरू में जब अरुण जी टाक पार्षद बने थे यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा था उन्होंने, वार्ड के लोगों से आके व्यक्तिगत मिलते थे, डोर टू डोर मिलते थे, प्रस्तलित समस्या को भी समाधान करते थे, सब करते थे। पर अब वार्ड की जनता अरुण जी का सिर्फ एक नाम रह गया है और चेहरा ढूंढ रही है। फराज जी आप बताएं कि एक युवा आप हैं और उस वार्ड से कांग्रेस जीती थी जहाँ से पूर्व उप महापौर रहे थे चंद्र सिंह जी कोठारी। जी बिल्कुल, वो शुरू से आप ये सारे चुनाव आज तक उठा के देखो तो मयूर जी वो कांग्रेसी वार्ड ला, एक दिनेश जी गुप्ता जो वहाँ से पार्षद बने थे वो व्यक्ति के थी, आज भी बहुत अच्छे इंसान है। मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर वो चुनाव लड़ते तो मैं खुद अपना वोट उनको दूंगा, वो ऐसे इंसान है। जी, जी। मेरे को बीजेपी उस कांग्रेस नहीं देखूंगा जब दिनेश जी गुप्ता चुनाव लड़ते, मैं उनका वोट इसलिए दूंगा वो व्यक्ति की थी बहुत अच्छे इंसान है। जी ठीक है, चंद्र सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़े, जीते, वो एक महापौर की एक
एक पैराशूट महापौर का नाम था उनके पीछे, वो उनको लेके चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों को लगा नहीं हमारे वार्ड से महापौर, पर महापौर जी को हमारे वार्ड से जीता के महापौर बनाया, पर महापौर जी फूस निकले जी, बिल्कुल उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करा। 5 साल में एक नाली नहीं बनी है उन्होंने जी, जनता से आके मिलना तो बहुत दूर की बात जी। अरुण जी भी चाहते थे कि भाई महापौर के वार्ड से चुनाव जीते तो वो भी महापौर बन जाए, चुनाव भी लड़े। बिल्कुल हम भी चाहते थे कि अरुण जी महापौर बने, अरुण जी यहाँ से चुनाव जीते, अरुण जी चुनाव जीत के महापौर बने। अरुण जी ने काम कराया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराया, हम नकार नहीं सकते उनको। चमनपुरे की सारी सड़कें बनवाई है, कॉम्प्लेक्स के लिए लड़े है, वो नालियाँ बनवाई है, गली गली जाके लोगों से मिलते थे, सब कुछ करते थे। लोग आज भी लड़ रहे हैं, आज इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि नगर निगम के पास का बजट खत्म हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से नगर निगम के पास बजट ही नहीं है इसका। जयंत साहब को बोलते, जयंत साहब कह रहे कि मैं ठेकेदार से मिला हूँ प्रस्थली, ठेकेदार ने मुझे बोला भैया मैंने पहले अश्विनी बाजार में कॉम्प्लेक्स बना, उसका बिल नहीं आया तो उसका कौन देगा मुझे जी, तो ठेकेदार इसलिए नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर गरीब तबके का लोग रहता है, बिल्कुल गरीब तबके का लोग है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अब आप देखो ये झोपड़ियाँ, ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, इसलिए हम भी नगर निगम कह गए कि थक गए कि प्लीज़ वो कॉम्प्लेक्स बना दे, क्योंकि वो इन लोगों के लिए ही है और ये लोग बहुत परेशान होते हैं उसके लिए जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जीएस टाग महापौर जी से और पारस जी से बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इसका कार्यक्रम पूरा करके और उसको कॉम्प्लेक्स बना दे जी। टूरिस्टम भी है ये, टूरिस्ट भी बहुत आता है यहाँ पर जी। एक स्मार्ट टॉयलेट बना है, उसका चार्ज रखें आप जी, तो स्मार्ट बना रहेगा वो जी। और अपने शहर के जो विधायक है ताराचंद जी से भी निवेदन है मेरा कि अगर नगर निगम नहीं बनाती है तो आपके फंड से, जो विधायक फंड होता है उस फंड से इस कॉम्प्लेक्स को बनाए, और अगर नहीं बनाना था तो तोड़ा क्यों। सही बात, तोड़ा क्यों, जो था उसमें जनता जा रही थी, खुश थी उसमें ही, अब तो वो रहे गंदगी और अभी डेंगू बीमारी ऐसी चल रही, तो आप वहाँ जाओ तो आप बाहर से नहीं निकल सकते हो मयूर जी, इतना गंदा हो गया। हम जाके आए उस जगह, जाके आए देखा है ना, काफी समस्या वहाँ पर है। तो हम भी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वाकई में निगम के पास इसके लिए उपयुक्त फंड यहाँ पर नहीं है तो विधायक जी को इसमें दखल देना चाहिए और विधायक मत से यहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण यहाँ पर कराना चाहिए। और साथ ही युवा नेता फराज जी ने भी स्पष्ट करा कि अरुण जी के कार्य को नकार नहीं सकते, पर अब वो सिर्फ नाम में यहाँ पर रह गए हैं, चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं, सिर्फ चेहरा लोग अभी भी उनका ढूंढ रहे हैं, सिर्फ नाम में रह गए हैं। तो कुछ और लोगों से जानेंगे अरुण जी के कार्यों की हकीकत, तो लिए चलते हैं सीधे आपको क्षेत्र के पंचोटी इलाके में, वहाँ का जनमन क्या कहता है। तो नारायण जी शर्मा हमारे साथ हैं, सर आप बताएंगे क्या मौजूदा पार्षद अरुण जी टाक के कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ कांग्रेस का बहुत मजबूत वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है, पहले ये 2 भागों में विभक्त था, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 32, ठीक है। तो आप ये देखें कि कांग्रेस का बहुत अच्छा मजबूत वार्ड रहा और काफ़ी बीजेपी के भी पहले के मुकाबले बीजेपी ने अपने वोट बैंक बढ़ाया, दिनेश जी गुप्ता रहे। और मैं ओवरऑल बात करूंगा वार्ड के विकास की, तो मेरा ये कहना है आप मौजूदा पार्षद जैसे हमारे अभी अरुण जी टांक साहब हैं, वो अपना काम कर रहे हैं रेगुलर, हमने अगर कभी भी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया, ठीक है। हमारे कोई भी काम होते हैं कभी भी उनको, हमको लगता है कि यहाँ पे हो, जैसे कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो फ़ोन कर रहे हैं, अजय जी कर रहे हैं, अरुण जी कर रहे हैं। हमारे वार्ड में तो इतनी सुविधा है कि दोनों को फ़ोन करो दोनों हाजिर और दोनों काम करते हैं, दो दो पार्षद है ये। वाह यार, मतलब इतना ज़बरदस्त काम है कि किसी को भी बता दिया दोनों कर देंगे। वो एक पिक्चर थी जिसमें सुनील शेट्टी, हमारे एरिया की बात बता, हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सुनील शेट्टी के 2 रोल थे, तो वो कहता है कि मेरे दो-दो बाप वैसे हमारे दो-दो पार्षद। लोगों के ऐसी स्थिति है कि जिसको जिससे काम लेना होता है फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मतलब दोनों के अंदर तालमेल अच्छा है। हाँ, मतलब जो भी है लेकिन काम हमारे यहाँ एज ए पार्षद हो रहे हैं जी। एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ क्या है कि एक पंचवटी समिति बनी हुई है, वो एक अपना अलग वर्क करती है। तो अभी उसमें अजय जी जैसे एक्टिव होके यहाँ पे काफ़ी, जैसे अभी बीच में चोरियाँ हुई यहाँ काफ़ी इस वार्ड में, तो अभी इन्होंने उस पर एक्शन लिया, लोगों से संपर्क किया सघन, और इस तरह से उन्होंने अभी काफ़ी, जैसे ट्रैफिक की समस्या थी तो ट्रैफिक की गाड़ी को बुला के उनको सब हटवाए, वाहन चालान बनवाए, इस तरह से वार्ड में कटिंग छटिंग अभी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। उससे उस चीज़ से हमने अभी फेस किया वार्ड ने, तो ठीक है उसको भी हम सॉल्यूट आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी ओवरऑल हमारे इस एरिया की बात करता हूँ पर्टिकुलर में, क्योंकि जो हम जहाँ रहते हैं वहीं की बात करेंगे, ओवरऑल वार्ड से सबकी संतुष्ट है, मतलब हाँ, हमको कहीं तो नारायण जी यहाँ पर संतुष्ट दिखे। और आपको बताने कि कार्यक्रम एक अंदर लेने की वजह यह रही कि बाहर बारिश यहाँ पर हो रही है, आज मौसम काफ़ी सुहाना है और इसी वार्ड के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आती है। अब UIT का नाला, घुमानिया वाला नाला भी इसी वार्ड के अंदर आता है, स्वरूप सागर जो भी छलका है वो भी इसी वार्ड में आता है।